प्रधानमंत्री मोदी आज है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 पर भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को इस वैश्विक मंच से चेतावनी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का संबोधन होगा। इमरान खान अपने भाषण में एक बार फिर कश्मीर का रोना रो सकते हैं। न्यूयॉर्क में सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की मौजूदगी की वजह से हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एस जयशंकर के संबोधन के दौरान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बैठक में शाह महमूद कुरैशी देरी से पहुंचे। जब वो पहुंचे तब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक से बाहर निकल चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर निर्णायक सुनवाई जारी है। शुक्रवार को इस सुनवाई का 33वां दिन है और सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई की रिपोर्ट पर दलीलें दी जा रही हैं। 26 सितंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना फैसला जल्द आने का चांस खत्म हो सकता है। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले कल्याण सिंह शुक्रवार को करीब 12 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दी। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीटों का समझौता होता दिख रहा है। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बनाने की शर्त बीजेपी के सामने रखी है। सूत्रों के अनुसार समझौते के तहत भाजपा को 144 सीटें मिलने की खबर है। शिवसेना के 126 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं 18 सीटें गठबंधन के अन्य दलों के लिए छोड़ी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं और बैंक घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कानून व्यवस्था खराब हो, इसलिए ईडी दफ्तर नहीं जाने का फैसला किया है। बैंक घोटाले में केस में के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाने का फैसला किया था। हालांकि ईडी की ओर से उन्हें पेशी का नोटिस नहीं दिया गया। तो शरद पवार आज पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ उन्होंने हालांकि मना कर दिया कि वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार सुबह सुबह जैसा वो बता रहे थे कि वो ईडी के दफ्तर जाएंगे। बैंक घोटाला मामले में जब उनका नाम आ रहा है तो वो जाकर अपनी सफाई देंगे। हालांकि नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन बाद में शरद पवार ने मनाने पर मान गए और वो जाने के लिए तैयार हो गए कि अब वो जाएंगे नहीं। चुनाव आयोग ने असम में अब एनआरसी से बाहर लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन आयोग के मुताबिक एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना देती। नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में मौजूद हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा। हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आलाकमान पर बेटी आरती के टिकट के लिए दबाव बनाया है। वहीं भाजपा आलाकमान ने सांसद विधायक के परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट देने से इनकार किया है। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 24 अक्टूबर को सामने आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए और हरियाणा में 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज जोधपुर के कोर्ट में पेश नहीं हुए। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख अब 19 दिसंबर तय कर दी है। जोधपुर जिला और सत्र कोर्ट ने 2 दशक पहले राजस्थान के एक गांव में 2 काले हिरणों का कथित अवैध शिकार करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया था। गोवा की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक अतनासियो
मॉन्सरेटेड पर कथित रूप से 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद पिछले साल उत्तरी गोवा जिला अदालत में 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई 17 अक्टूबर से शुरू होगी। इसरो के चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का LRO नहीं खोज पाया। नासा ने कहा है कि अब हम विक्रम लैंडर को दोबारा अक्टूबर में खोजने का प्रयास करेंगे। नासा LRO के वैज्ञानिकों ने बताया कि विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर गिरा था। 17 सितंबर को LRO ने उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन उस जगह की सही तस्वीर नहीं आ पाई। गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कफील खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में डॉक्टर कफील को सस्पेंड किया गया था। वहीं प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में हुई जांच के बाद डॉक्टर कफील पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। यूपी में लगातार भारी बारिश से अलग अलग जिलों में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारी बारिश के बाद लखनऊ और वाराणसी में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार, यूपी, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार के 14 और यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की आशंका है। कुशीनगर में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। चौक चौराहों और बाजारों में कर्फ्यू जैसे माहौल नजर आ रहे हैं। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। बाराबंकी में नहर में बह रही शराब की बोतलें लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ सी मच गई। ग्रामीण जाल लगाकर नदी से शराब निकालते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने करीब 25 पेटी शराब नदी से निकाली। पूरा मामला जैतपुर के अजपुरा नहर के पास का है। यूपी के बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर गुरुवार को भाजपा नेता के पुत्र और भतीजे के दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के ही 5 लोग एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। एक रिश्तेदार पर हत्या करने का शक जताया जा रहा है। यूपी के महोबा जिले के श्रीनगर क्षेत्र में पुराना बरगद का पेड़ उखाड़कर एक 2 मंजिला मकान पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। हमीरपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला के पति और ससुर ने उसे रोड पर घसीट घसीट कर पीटा है। पूरा मामला मदोहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर महिला का पति उस पर गर्भपात करवाने का दबाव बना रहा था। प्रयागराज में उमा भारती की जनसभा के दौरान 2 बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। जमीन की रंजिश में जमकर तमाशा हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के पति को बीजेपी मंडल महामंत्री ने जमकर पीटा। एक टीचर को बच्चों का शोर मचाना इतना नागवार गुजरा कि उसने क्लासरूम में सभी बच्चों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है। जोधपुर में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बस और कैंपर की जोरदार टक्कर में यह हादसा पेश आया है। घायलों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बल्लभगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिलाओं और बच्चों को पोषण की जानकारी दी गई। इस दौरान पोषण के बारे में महिलाओं और बच्चों को बताया गया। पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता की जोड़ी ने विश्व टीम स्कूटर खिताब जीता है। पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 5-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका के भारत दौरे का ऐलान हो चुका है। भारत अगले साल जनवरी में श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ये एडवांस बुकिंग फिल्म के रिलीज से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हो रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की फिल्म मरजावा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर लॉन्च से पहले
फिल्म का एक और पोस्टर सामने आया था जिसमें फिल्म की हीरोइन तारा नजर आ रही है।